नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन चेकिंग दरों में किया बदलाव, 13 साल बाद बढ़ाई दरें। मनीष वर्मा को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी बड़ी जिम्मेवारी, मनीष वर्मा को जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। यूपी की नदियां उफान पर, पीलीभीत, श्रीवस्ती समेत 12 जिलों के करीब 800 गांवों में बाढ़ के हालात। सबसे ज्यादा बहाव स्थिति पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में। बिहार और झारखंड में बारिश बिजली से हो चुकी है अब तक 56 लोगों की मौत। बिहार में आज रेड अलर्ट जारी, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की रही गिरावट, ये 79,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं आज सोने चांदी के दाम में रही तेजी, 73,000 रुपए के करीब पहुंचा सोना, तो वहीं चांदी 92,000 रुपए किलो के पार निकली। ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। आज हरियाणा की पहली और बड़ी खबर है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो और बसपा ने गठबंधन कर लिया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के गठजोड़ का ऐलान करते हुए बसपा के राष्ट्रीय और कोऑर्डिनेटर आकाश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 37 सीट पर बसपा चुनाव लड़ेगी और 53 सीट पर इनेलो चुनाव लड़ने वाली है। दरअसल बसपा इनेलो गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अभय चौटाला होंगे। इससे पहले वही 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो व बसपा के बीच पहली बार गठबंधन हुआ था। वहीं फिर इसके बाद साल 2018 में बसपा और इनेलो के बीच राजनीतिक गठजोड़ हुआ था, लेकिन यह गठबंधन विधानसभा चुनाव तक लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया। अब तीसरी बार इनेलो ने अपना खोया हुआ राजनीतिक वजूद बचाने के लिए बसपा के गठबंधन की पहल की है। पिछले सप्ताह ही अजय चौटाला बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ नई दिल्ली में मुलाकात कर चुके थे। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर हमारा एक साझा घोषणा पत्र है, SC ST की नौकरियां भरी जाएंगी, जो कोटा खत्म किया गया है उसे वापस दिया जाएगा, SC ST को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे, SC ST बच्चों के मुफ्त कोचिंग भी दी जाएगी और BC को मुफ्त कॉलेज शिक्षा दी जाएगी, चाहे वे सरकारी या प्राइवेट किसी कॉलेज में पढ़ रहे हों। जनरल कैटेगरी के बच्चों से जो बांट भरवाए जा रहे हैं, हमें उसे खत्म करना होगा। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले थे। इससे पहले पार्टी को बड़ा झटका लग चुका है। इससे उभरने के लिए पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पार्टी हर हाल में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में जुट गई है। इसे लेकर पार्टी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि 29 जून को वे पंचकुला आए थे और पार्टी कार्यकर्ताओं को काम करने के निर्देश दे के गए थे। वहीं अब 17 दिन बाद वे फिर से 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ आ रहे हैं। OBC मोर्चे की ओर से आयोजित कार्यक्रम के बाद शाह बाद में जिला मोर्चा और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि अहीरवाल बेल्ट में होने वाला ये कार्यक्रम भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं पिछली बार भाजपा की सरकार बनने में GT बेल्ट के साथ इस बेल्ट का अहम योगदान रहा था। महेंद्रगढ़ से वे पूरे दक्षिण हरियाणा को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में CM नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा के सांसद व मंत्री भी मौजूद रहेंगे। शाह के आगमन को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं अब हरियाणा में शिक्षा विभाग की जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनाई हैं या पिछले 10 वर्षों में बनी हैं, वहां पर सोलर सिस्टम लगाने का काम किया जाएगा, ताकि स्कूलों पर पड़ने वाली बिजली का खर्चे को कम किया जा सके। दरअसल इसके लिए तैयारी शुरू की जा चुकी है, यह कहना है शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का। आपको बता दें कि वीरवार को शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रबंधन समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी, जहां शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में शिक्षा के स्तर में और सुधार होगा, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, इसके लिए निरंतरता में कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने SMC सदस्यों का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह हमारी मजबूत इकाई हैं।
एसएमसी सदस्यों द्वारा जो सुझाव दिए हैं वे उन्हें विभाग से स्पष्ट करवाकर मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगी ताकि सभी के सहयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार किया जा सके। आपको बताते चले कि शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि सरकार अनेकों सुविधाएं विद्यार्थियों के लिए दे रही है और हमारा लक्ष्य है हर छात्र के भविष्य और जीवन को संवारना और निखारना। हरियाणा में भाजपा का कुनबा बढ़ने वाला है तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल सोनीपत के मेयर निखिल मदान ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का हाथ थामने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस के युवा नेता निखिल मदान ने साल 2020 में राजनीति में कदम रखने के बाद नगर निगम के मेयर चुनाव जीता था। सोनीपत नगर निगम के पहले मेयर निखिल मदान ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और दायित्व को छोड़ते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयमान को अपना इस्तीफा भेज दिया है। आज ही वे दिल्ली के हरियाणा भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल व नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के समक्ष विधिवत रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। करीब 3.5 साल बाद अब निखिल का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है और भाजपा ही होने जा रहे हैं। हालांकि लंबे समय से निखिल मदान के भाजपा में जाने की चर्चा थी और वह हर बार इस बात को अफवाह कहकर टाल देते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए एक्शन मोड पर है। दरअसल सीएम सैनी ने पुलिस अधिकारियों को प्रदेश में अपराधों को रोकने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के प्रति किसी तरह की सियासत ना बरती जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस को आम लोगों में अपनी छवि बेहतर बनाने का निर्देश दिया है। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य में बढ़ते अपराधों पर सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस अधिकारियों को अपराधों में सुधार के लिए 1 हफ्ते का समय दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस 1 सप्ताह के भीतर अपराधियों के ऊपर सख्ती बरतते हुए अपराध की तमाम घटनाओं पर ब्रेक लगाए। 1 सप्ताह के बाद वे स्वयं पुलिस विभाग से फिर से समीक्षा बैठक करेंगे और पुलिस के कामकाज का आंकलन करेंगे। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम को राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गृह विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। गृह सचिव अनुराग रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और सीआईडी चीफ आलोक कुमार मित्तल समेत मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भागीदारी की। मुख्यमंत्री के पास पिछले कई दिनों से राज्य में अपराध, खासकर व्यापारियों से फिरौती मांगने व उन पर हमला करने की सूचनाएं आ रही थी। अब सीएम ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गैंगस्टरों के नेटवर्क पर प्रहार किया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि अपराधियों के प्रति किसी तरह की सियासत ना बरती जाए। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।